दोस्तों ये पेंसिल स्केच चैप्टर वन का पार्ट डी है, जो आखिरी पार्ट है। इसमें हम आपको पूरा आई ड्रॉ करके बताएंगे कि आई कैसे ड्रॉ की जाती है। पिछले चैप्टर में मैंने आई का लाइन ड्राइंग करके बताया हुआ था। अब मैं इसको हल्का हल्का ब्लेंड करता हूँ, आईब्रो को भी ब्लेंड करेंगे अच्छे तरीके से। अब आईब्रो को हाईलाइट करेंगे ताकि लगे कि वाकई में मतलब आई ड्रॉ किया हुआ है, रियल दिखना चाहिए। और ब्लेंडिंग के लिए इसके बाद आई का जो ब्लेंडिंग एरिया है इसे और ज़्यादा डार्क करेंगे। बाद में इसे पेपर स्टैम्प अथवा टिश्यू पेपर से भी सेट कर सकते हैं। ब्लेंडिंग के लिए स्टम्प पेपर बहुत अति आवश्यक होता है। यदि स्टम्प पेपर आपके पास नहीं है तो आप स्टैम्प पेपर आपके पास नहीं है तो आप टिश्यू पेपर से भी कर सकते हैं। वो नहीं है तो आप कोई देसी जुगाड़ करके आसानी से बना भी सकते हैं ताकि उसको ब्लेंडिंग करने में आपको आसानी हो। अच्छे तरीके से सेट करेंगे, फिर हल्का हल्का हाथ से भी उसको चाहे तो सेट कर सकते हैं। उसको हल्का हल्का मतलब आप सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद फिर आईब्रो को हाईलाइट कर लेंगे। अब जो मतलब आईब्रो का जो हेयर है ताकि वो आसानी से अच्छे तरीके से दिखना भी चाहिए, जैसा कि मैं कर रहा हूँ। आईलिड का जो हेयर होता है इसे हाईलाइट करेंगे, और जैसा मैं कर रहा हूँ वैसे ही करना है। ये नहीं कि सारा सेम दिशा में ही उसको ड्रॉ कर देना है, तो फिर वो गलत हो सकता है। उसको देख देख के सेंटर वाला सीधा रहेगा, फिर राइट साइड को जैसे जाएंगे वो राइट साइड को मतलब राउंड लेता जाएगा, लेफ़्ट साइड को आते हैं तो लेफ़्ट साइड की तरफ हल्का हल्का वो राउंड होता जाएगा। और सेम थ्योरी बॉटम वाले में भी होगा, मतलब निचले हिस्से में जो आईलिड का जो निचला हिस्सा है आई का, उसमें भी जो हेयर हमें ड्रॉ करना है जैसा कि मैं ऊपर वाला कर रहा हूँ वैसे सेम होगा। बस थोड़ा सा फ़र्क होगा कि जो ऊपर वाला होता है वो थोड़ा लंबा होता है और नीचे वाला जो हल्का छोटा होता है। जैसा कि चैप्टर 1A में मैंने जैसा आई बॉल बना के बताया था, सेम वैसा ही आई बॉल हम बना लेंगे सेंटर में। हर फेस के लिए अलग अलग आई होती है, जैसा फेस होता है वैसा हम आई बनाते हैं। अब हमारा आई ड्रॉ हो चुका है, अब इसको जो भी हाइलाइटिंग एरिया उसको हाईलाइट कर लेंगे। तो ये हमारा आई हमारा तैयार हो गया, ड्रॉ हो चुका है। तो आपने देखा कि कैसे आसानी से इसमें आई ड्रॉ हमने आई ड्रॉ आसानी से ड्रॉ किया हुआ है। तो आप भी घर बैठे हमारे चैनल से जुड़कर ड्राइंग सीख सकते हैं। तो ये था चैप्टर 1 जिसमें आई ड्रॉ करना सिखाया। अब चैप्टर 2 में हम आपको नोज ड्रॉ करना बताएंगे। तो ड्रॉ सीखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।